नमस्कार, चंदन इंडियन कुकिंग में सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शक्कर पारे। अब देखिए क्या क्या सामग्री लगती है। 1 कप हम मैदा लिए हैं, 1 स्पून घी लिया, थोड़ा सा कम है ये देखिए, और हमने पानी लिया आटा लगाने के लिए, ये सबके लिए चाशनी बनाने के लिए। अब आटा लगा कर तैयार कर लेते हैं, इसमें घी डाल लेते हैं। घी डालने से ना बहुत अच्छा है इसका, और सॉफ्टन होता है। घी भी डालते हैं और तेल भी डालते हैं, जिसको जो डालना डालता है, मगर घी शक्कर पारे बनाने के लिए घी जरूरी है। घी से बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे अच्छे से मिला लेते हैं, फिर इसको गूंथेंगे। देखिए फ्रेंड, ये ऐसे बनना चाहिए मुट्ठी पूरा आटा। मेरा वो मसल दिया है मैंने इसको। अब इसको मैं आटा में पानी डालती, थोड़ा थोड़ा डालना है पानी, एक साथ नहीं डालिएगा, हमें तो गीला हो जाता है आटा। बड़ा सख्त लगना चाहिए जब ये अच्छे शक्कर पारे बनते हैं। आटा लगा के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको, ये फूल जाएगा। थोड़ा सा और डाल लेते हैं पानी। हमने 1 गिलास लिया था पानी, इतना वाला बच गया है, थोड़ा सा ही पानी लगा है। 1 पाव आटा हमने लगा रहे हैं। आटा लग के मेरा रेडी है, मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। आटा मेरा रेडी हो जाएगा फूल के, उसके बाद फिर मैं ये हम शक्कर लिए हैं इसमें डाल देते हैं। हम एक तरफ चाशनी चढ़ा देते हैं, एक तरफ उसको शक्कर पारे को बेलते हैं। ये पानी डाल दिया, एक गिलास पानी डाल दिया, और गैस चालू कर देते हैं। हम 1.5 पाव शक्कर डाल के और पानी डाल के तलने के लिए रख दिया, ये चाशनी बनने के लिए। जब तक हम इधर तल रहे हैं, इधर हम कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई चालू कर देते हैं। और इसको हमारा आटा सब देखिए फूल गया है बिल्कुल। अब इसको हम बेलते हैं, बनाते हैं। ये हम 4 इलायची लिए हैं, जब तक चाशनी होगा थोड़ी देर में डालेंगे इसको। देखिए इसकी लोई काट लेते हैं, ये देखिए 3 लोई काट लिया। 3 बार में हमको इसको बेलना है, इसको थोड़ी से मोटा मोटा बेलना है। शक्कर पारे के लिए थोड़ी मोटा रहता है। किनारों से बेलना है, बाटों से, पतला मोटा न रहे, एक जैसे ही पूड़ी आना चाहिए। इस तरह काट लेना है, इसको निकाल देते हैं। देखिए तो काट लेना है, ये नहीं, हमने इसको बेल लिया है और इसको काटते हैं। किनारे हम निकाल देंगे। हमको ऐसे सभी काट लेना है। देखिए हम देखते हैं हमारी कढ़ाई हुई कि नहीं हुई, थोड़ी सी डाल देते हैं पहले। कढ़ाई हमारी आ गई है, ये देखिए अब डाल देते हैं इसको। ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर आराम आराम से डालेंगे।
जिसमें जब तक हमारा पक रहा है हम दूसरा दे लेते हैं पूरी। खेले खेले पक रहे हैं, उसको दे लेते हैं। साइड का निकाल लेना है, ऐसे ही काट सकते हैं। इसको बैठ लेते हैं, थोड़ी सी पका नहीं अच्छे से, गोल्डन होता है जब ही निकालते हैं इसको। उसके लिए कुछ लिए धीमी आंच से पकाना है इसको। देखिए कितने अच्छे से पक गया है, तेज नहीं करनी गैस। रेडी है मेरा ये शक्कर पारे, और इसको तल लेते हैं। मैं डाल दिया सब तलने के लिए, अब हम चाशनी देख लेते हैं। ये तक हमारे पक रहे शक्कर पारे, चाशनी हमारा देखिए गाढ़ा हुआ है थोड़ी थोड़ी। ये जब ये इसको ऐसा करके चिपकने लगे जब ही डालना है, ज़्यादा इसको टाट नहीं करना। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं, देखिए इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ऐसे स्वाद बढ़ जाता है। देखिए अब ये थोड़ी हमारी चाशनी हुई है, हमारे एक पक गया शक्कर पारे, फिर हम इसको डालते हैं। इसमें गरम गरम डाल के चलाना है, इसको धीमी आंच से ही पकाना है। शक्कर पारे को तेज नहीं करना है, नहीं अंदर नहीं पकेगा, अंदर तक नहीं पकता। ये ऊपर से लाल दिखेगा मगर पकेगा नहीं। यार हमारे पक गए हैं, देखिए उनको हमने पका लिया है, इतने आ जाते हैं। कहते हैं हमारा चाशनी हुई कि नहीं हुई चाशनी, देखिए उसको देखते हैं। ये देखिए चिपकने लगी है, अब इसमें हम डाल देते हैं अपने शक्कर पारे। ये देखिए डाल दिए इसमें, ये भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ी देर चलाइए तो अच्छे से भर जाती है इसमें चाशनी। हमने एक तरफ रख दिया था इसलिए जल्दी हो जाता है चाशनी। वहाँ जब बन के रेडी हुए उधर हम शक्कर पारे बना के रेडी कर लिया। देखिए कितने अच्छे मेरे शक्कर पारे बनके रेडी हैं। और अगर मेरा शक्कर पारे आप लोग को पसंद आया हो बनाना तो मेरे चैनल में कमेंट कीजिए, और आप लोग बताइए और आप लोग के लिए क्या बनाना है मुझे। और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस दो प्रकार से बनते हैं, एक शक्कर पारे ऐसे बनते हैं आटा में ही डायरेक्ट गूंथ देते हैं, और एक ये इसको इस तरह बनाते हैं चाशनी वाले। देखिए कितने खेले खेले हैं, एक भी नहीं चिपका है। ऐसा ही बनाना है, इसको चाशनी में चलाते रहना है, नहीं चिपक जाते हैं।
हमने गैस बंद कर दिया है। देखिए और कितने अच्छे हो गए हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग देखते रहिए, शेयर जरूर कीजिए।